हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से आप सभी का माय लिटिल डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है, अच्छी खासी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत खुशनुमा बन गया है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो हम छोटा सा वीडियो आप सभी से शेयर कर रहे हैं, आज संडे है तो गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू आप सभी से शेयर करेंगे, लेकिन इनडोर्स प्लांट शेयर करेंगे। तो देखिए, उससे पहले ये आउटडोर प्लांट्स कितने अच्छे से चल रहे हैं, गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, साथ में गुलाब, देखिए गुलाब का प्लांट जो देख रहे हैं आप, ये देखिए ये कितना पुराना, 5 से 6 साल पुराना प्लांट है जो अभी भी चल रहे हैं। तो हमारे पास गुलाब के कुछ ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, 5-6 प्लांट्स ही है, लेकिन सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी है, अच्छी फ्लावरिंग होती है, साथ में गुड़हल में और अपराजिता में सभी प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए इसमें तो कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है कॉसमोस में। और ये नीचे देखिए, हम किचन वेस्ट के लिए कुछ सब्जियों के छिलके रखे हैं, इनको किचन वेस्ट बनाएंगे। और इधर देखिए फ्रेंड, आलामंडा में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, रोज ही बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। और जितने प्लांट्स देख रहे हैं, सभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी है, किसी पर प्रकार की कोई परेशानी तो है नहीं, बस अभी इस बारिश में थोड़ी बहुत इल्ली की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे जो बिल्कुल जंगल का रूप ले लिया है हमारे इंडोर प्लांट्स ने, तो आप सभी से वही शेयर करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी हवा भी चल रही है, तो सारे इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो देखिए ये प्लांट जो कि स्नोबुश का प्लांट है, इसको जिस भी कोने में रखे उस प्लांट की खूबसूरती को बढ़ा देने वाला प्लांट है। और इसको सुबह की या शाम की हल्की धूप पसंद है, मतलब सुबह की अगर 2 से 3 घंटे की धूप मिले तो भी अच्छे से चलेगा, लेकिन इसको शेड लविंग प्लांट ही कहेंगे। तो जितने भी प्लांट्स आप सभी से शेयर करेंगे, क्योंकि इंडोर तो कोई प्लांट होता ही नहीं है, मतलब फुल्ली इंडोर कोई प्लांट रहता नहीं है, शेड लविंग प्लांट्स कह सकते हैं, शेड में रहना पसंद करते हैं, तो सुबह की या शाम की धूप मिले तो सबसे अच्छा रहता है शेड लविंग प्लांट को। तो देखिए सारे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं। देखिए इस प्लांट को हम काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, ये मदर प्लांट है पैंडेनस का, और इससे हमने कम से कम 8-10 प्लांट्स बनाए हैं इसी मदर प्लांट से। उसके बाद ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी शेड लविंग प्लांट है, इसको आप अगर धूप में भी 3-4 घंटे की रखो तो भी इस प्लांट को कुछ होता नहीं है, और अगर शेड में रखो सुबह की या शाम की 1 से 2 घंटे की, आधे घंटे की धूप मिले तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। ये लेडी पाम का प्लांट है, इस प्लांट को ज़रूर शामिल करें फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छा प्लांट है। उसके बाद अरेलिया के प्लांट्स, ये भी बहुत अच्छे से चलते हैं शेड में। ये एक प्लांट है देखिए, फॉक्सटेल फर्न, तो ये एस्पेरेगस फैमिली का है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। जितने भी प्लांट शेयर कर रहे हैं फ्रेंड, सभी को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा केयर की, कम केयर में चलने वाले, कम धूप में चलने वाले प्लांट्स और कम खाद पानी वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब ऊपर की टॉप लेयर सूख जाए तभी पानी दें तो अच्छा है। ये देखिए संचेशिया का प्लांट, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है। ये एक प्लांट है, इसका नाम हमें पता नहीं है, कुछ कुछ उसकी पत्तियाँ देखिए किस तरह से रहती है हार्ट शेप में, और बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए डेट पाम या ग्रास पाम, ये एक पाम है चाइनीज़ पाम, सभी के केयर सेम है कि 6-6 महीने में एक बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे, और 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने में थोड़ा सा लिक्विड दे, चाहे गोबर की खाद का लिक्विड या फिर बर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दे, बस और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए सभी प्लांट की हेल्थ देखिए, क्योंकि जितना हम प्लांट्स में ऑर्गेनिक खाद देंगे प्लांट्स उतने हेल्दी और पत्तियों में इस तरह से चमक रहेगी। तो केमिकल खाद का यूज़ ना करते हुए अगर इस तरह से ऑर्गेनिक खाद देंगे तो सभी प्लांट्स इस तरह से खुश रहेंगे। और इन सभी प्लांट्स को जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, इन सभी को ज़्यादा खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल अनुभव है। और हमारे सभी प्लांट्स देखिए किस तरह से एकदम बहुत ज़्यादा हेल्दी है,
और अभी तो बारिश का सीज़न है, तो इस सीज़न में तो आप छोटे से छोटे कटिंग भी लगा सकते हैं जितने भी प्लांट्स हैं सभी की, या छोटे प्लांट्स लेकर भी आ सकते हैं, अच्छी ग्रोथ भी होगी। बस हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करेंगे तो प्लांट्स इस तरह से हेल्दी बने रहेंगे। तो देखिए ये पाम प्लांट है, ये ड्रेसिना का प्लांट, ये स्नेक प्लांट, देखिए इतना ज़्यादा हेल्दी, और पत्ती देखिए इसकी एकदम ग्रीन है। और ये मनी प्लांट तो है ही इतना अच्छा, तो मनी प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए कितना अच्छे से चल रहा है ये प्लांट, फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है, ये भी एक फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है। ये देखिए ऑरेंज मैड्रीना प्लांट है, ये मॉन्स्टेरा, ये भी एक मॉन्स्टेरा है, इसके लिप्स इस तरह से है, ये भी एक मॉन्स्टेरा है, हल्के सा अलग है इसके लिप का शेप। और पाम की तो किसी भी वैरायटी को आप लगाए बहुत अच्छे से चलने वाला शेड लविंग प्लांट है। ये देखिए हमने एक न्यू मनी प्लांट ऐड किया है, तो आप तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, अभी का सीज़न बिल्कुल बेस्ट सीज़न है, लगाते से ही लग जाता है। देखिए इस तरह से इसमें एरियल रूट्स आते हैं, यहाँ से ऐसा कट करके यहाँ तक लगा देंगे मिट्टी में इस पोर्शन तक, तो आराम से लग जाएगा। और बहुत अच्छा प्लांट है, हमने मनी प्लांट के काफ़ी सारे प्लांट्स इस बारिश में बनाए हैं, हम बनाते ही रहते हैं, आपसे किसी वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे स्टेयर में सीढ़ी में रखे हुए काफ़ी सारे मनी प्लांट्स के पौधे हमने न्यू लगाए हैं। ये देखिए इस प्लांट को आप ही के सामने हमने कट करके दूसरा प्लांट भी बनाया था, तो देखिए जहाँ से कट किया इस जगह से, तो वहाँ से न्यू देखिए ब्रांच आ गई है, और प्लांट धीरे धीरे बहुत अच्छा हेल्दी होता जा रहा है, तो बिल्कुल एक जंगल रूप ले लिया है इस तरह से। देखिए फ्रेंड दूर से तो सभी प्लांट्स कितने ज़्यादा खुश हेल्दी है। उसका इस तरफ भी देखिए फ्रेंड, जीजी प्लांट, ये डमकेन का प्लांट, ये फर्न प्लांट, सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए इसकी चमक, देखिए इसकी पत्तियों की, इसको तो हमने गर्मियों में रिपोर्ट किया था, गर्मियों के पहले पहले मतलब फेब्रवरी मार्च के स्टार्टिंग में रिपोर्ट किया था। तो देखिए थोड़ा सा रिपोर्ट करने के बाद हल्का सा ग्रोथ लेने में टाइम लगा, थोड़ा सा हल्का सा शॉक में आ ही जाता है, देखिए अभी धीरे धीरे सही हो गया। और देखिए इसमें इसकी पत्तियाँ देखिए एकदम ग्रीन सी है और इतनी अच्छी है, आप ये जो देख रहे हैं ये इसलिए इस तरह से हो गई क्योंकि धूप में दो तीन दिन ऐसे रखा हुआ था, थोड़ी सी जल गई है धूप के कारण। तो ये तो प्लांट पीस लिली के प्लांट को धूप पसंद नहीं है, सुबह या शाम की हल्की फुल्की धूप ही पसंद है, तो ये सारे दिन के धूप में थी इसीलिए दो तीन पत्तियाँ इसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। इस प्लांट को धूप में बिल्कुल ना रखें, बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको तो आप घर के रूम के अंदर भी रख सकते हैं, चाहे तो महीने में एक बार हल्की फुल्की सी मतलब धूप दिखाए सुबह की, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और अरेलिया की देखिए और वेराइटीज़ है, सभी कितनी हेल्दी और कितनी अच्छे से चल रही है, तो ऐसे दूर से देखो तो ऐसा लगता है कोई जंगल सा है प्लांट्स का, इंडोर प्लांट्स का जंगल में ढेरों सारे प्लांट्स लगे हुए इस तरह से लगते हैं, क्योंकि सभी प्लांट्स की देखिए ग्रोथ भी अच्छी है और हाइट भी अच्छी ले रखी है सभी प्लांट्स ने, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं। ये देखिए ये ऊपर जितने भी हैंगिंग प्लांट्स हैं सभी, और इधर भी देखिए ये प्लांट्स भी कितने अच्छे से चल रहे हैं, सभी इंडोर प्लांट्स ही है। तो आज हम आप सभी से इंडोर प्लांट्स ही शेयर कर रहे हैं, देखिए एकदम। और ये तो छोटे छोटे प्लांटर में लगने वाले सभी प्लांट्स हैं, और देखिए सभी की चमक कितनी अच्छी है, बस प्लांट्स के चमक का यही राज है कि इनको बिल्कुल ज़्यादा खाद नहीं देना है, साल में दो बार ही खाद देना है, और वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का लिक्विड दे सकते हैं बस। तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को रात को भिगा ले, उसको सुबह या एक दिन बाद उसमें थोड़ी सी नीम खली भी ऐड कर ले, फिर उसका जो पतला घोल बनता है उसमें दो तीन गुना और पानी मिला के फिर लगा, एकदम पतला घोल दे, ऐसा नहीं कि
हमने जो भिगाए हैं प्योर वैसे ही डाले, उसमें पानी ऐड करके डालना ज़रूरी रहता है एकदम। जो हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को भिगाते हैं अगर 1 लीटर पानी में, तो कम से कम उसमें 5 से 8 लीटर पानी ऐड करें, फिर उसका पतला घोल बना के उसे छान के पौधों में दें, तभी इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। और उसमें थोड़ा सा नीम की खली भी ज़रूर ऐड करें, और नीम की खली अगर भूल गए बाय चांस तो फिर आप फंगिसाइड पाउडर को ऐड करें, फिर उस घोल को पौधों में दें, तो पौधे इस तरह से खुश भी रहेंगे और इस तरह से सुंदर पत्तियाँ भी इस तरह से सुंदर रहेगी, बिल्कुल ग्रीन रहेगी और चमकीली रहेगी। तो देखिए सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। चल बस संडे में यही सब इंडोर प्लांट्स ही आप सभी से शेयर कर रहे हैं, और उस साइड तो पूरे आउटडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड, और छत पे भी कुछ सब्जियों के पौधे लगे हैं। तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। देखिए फ्रेंड अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बारिश होने लगी है। तो ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।